मुरादाबाद के शिक्षा विभाग ने जनपद के सभी स्कूलों में अभिभावक कार्यशाला आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद के कुछ विद्यालयों में अभिभावक कार्यशाला आयोजित भी की गई, जिसमें अभिभावकों को कोरोना महामारी के चलते जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल देने के लिए भी जागरूक भी किया जा रहा है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का ये कहना है कि कोरोना महामारी के चलते अभिभावकों को जागरूक भी किया जा रहा है। आने वाले समय में जब विद्यालय खुलेंगे तो ऐसे में क्या क्या सावधानी बरतनी है, उन बातों को ध्यान में रखकर भी अभिभावकों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही बच्चों की पठन पाठन को लेकर भी एक नई रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ाया जा सके। मुरादाबाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को अभिभावक कार्यशाला आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यशाला में अभिभावकों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्कूल खुलने के बाद कोरोना से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के विषय में अभिभावकों से राय ली जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने सहयोग की अपील की है। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्कूलों में अभिभावक कार्यशाला आयोजित कर कोरोना के प्रति जागरूक करें, साथ ही भविष्य में जब स्कूल खुलते हैं तब स्कूली बच्चों को किस तरह से कोरोना से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, इस विषय में अभिभावकों से राय ली जाए। अब तक ये कार्यशाला माध्यमिक विद्यालयों में होती आ रही है, अब मुरादाबाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल, कॉलेज और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी ये कार्यशाला आयोजित कराने के आदेश पारित किए हैं। आज मुरादाबाद के पार्कर इंटर कॉलेज, स्वरूप देवी इंटर कॉलेज सहित अनेकों विद्यालय में ये कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। अभिभावकों को बैठक की सूचना दिनांक व समय सहित फोन पर देनी होगी। स्कूलों द्वारा कक्षा वार बने व्हाट्सएप ग्रुप में बैठक की सूचना दी जाएगी। बैठक में माता पिता में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थित अभिभावक मास्क पहनकर ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। बैठक में ऑनलाइन कक्षा संचालन, संचारी रोग नियंत्रण के उपाय, छात्र छात्राओं का कक्षा में प्रवेश शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता आदि विषय पर चर्चा की जाएगी। बैठक प्रातः 9 बजे से 12 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में आदि विषयों पर चर्चा की गई। इसके विषय में आपको जानकारी होगी। मेरा सभी लोगों से एक अपील भी है, क्योंकि जो समय चल रहा है इसमें सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ये समस्या जो आई पूरे भारतवर्ष में है, पूरे और कंट्री में भी है, लेकिन बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग जितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअल क्लास हम चला रहे हैं, गूगल मीट हम चला रहे हैं। अभी हमने 4-5 रूम तैयार कर रहे हैं जिसमें कैमरे की व्यवस्था सही सी हो, जिससे कि पूरा बोर्ड पर टीचर पढ़ाएं और बच्चों को पूरा प्रॉपर उनको ज्ञान मिले उस चीज़ का, और हमारा प्रयास है पूरा। और आप लोगों से भी निवेदन हमारा है कि आप लोग जरा बच्चों को एंड्रॉइड फ़ोन घर में अगर नहीं किसी में है तो वहाँ पर व्यवस्था कराएँ, ताकि देखिए कभी भी होता है घरों में एक फ़ोन होता है, बच्चे का टाइम टेबल कुछ और है, उसके लिए सभी को एकजुट मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं और आने वाला समय। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो और विद्यालय में पढ़ाई का माहौल बने, जिसको लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। देखिए, प्रदेश सरकार जो है वह बच्चों की शिक्षा को लेकर के अति संवेदनशील है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के और अपर मुख्य सचिव महोदया के नेतृत्व में इस कोविड के संक्रमण में बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इसकी पूरी कार्ययोजना शिक्षण की तैयार कराई गई है। इसमें एक तो कक्षा 9 से 12 तक का जो पाठ्यक्रम है वह 30% कम कर दिया गया है और उसके बाद जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पाठ्यक्रम का वह हिस्सा 1/3 जिसके लिए वीडियो लेक्चर तैयार कराए जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अध्यापकों द्वारा अलग अलग विषय आवंटित करके, और वह कक्षा 10 और 12 के जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लासेज होंगे, वह दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। उसके लिए टाइम स्लॉट अलाट हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और कक्षा 9 और 11 के जो क्लासेज हैं लाइव क्लासेज, वह स्वयं प्रभा चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे और यह जो प्रसारण है वह सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हफ्ते में 5 दिन किया जाएगा और प्रतिदिन 4 कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम के प्रारंभ से लेकर के अंत तक माहवाइज पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है उसके अनुसार वीडियो लेक्चर तैयार कराए गए हैं।
तो यह व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने विद्यालय स्तर पर सभी कक्षा अध्यापकों के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो हमारे दूरदर्शन पर या स्वयं प्रभा चैनल पर जो क्लासेस चलेंगे उसमें जो बच्चों की क्वेरीज होंगी वह व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चा अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकता है। इसमें हम लोगों ने ऐसे बच्चों को भी टारगेट किया है, चिन्हित किया है, जिन बच्चों के पास न तो मोबाइल फ़ोन है और न तो टेलीविज़न की सुविधा है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके हम लोग उसी गांव में अन्य बच्चे जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं जिनके घर दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध है उनके साथ क्लब करके उन बच्चों को पढ़ाने की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हर विद्यालय में एक हमारा एकेडमिक कॉर्नर बनेगा जिस कॉर्नर में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी और पत्राचार के माध्यम से ऐसे बच्चे जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, गांव में भी कोई रीच नहीं है, ऐसे बच्चे विद्यालय के संपर्क में रहेंगे और उनको विद्यालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से तैयार की गई पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बच्चा निरंतर अपने पाठ्यक्रम से को पढ़ता रहे, अपनी क्वेरीज को क्लियर करता रहे और बच्चों में जो अधिगम विकसित करना है, जो उद्देश्य है किसी भी कक्षा में बच्चे को पास होने के लिए, वह अधिगम बच्चा प्राप्त कर सके इसके लिए प्रयास हो रहा है। इसको कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए एक पेरेंट्स और टीचर्स की एक मीटिंग प्रत्येक विद्यालय में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है जिसके लिए कार्ययोजना तैयार करा करके सभी विद्यालयों को प्रेषित कर दिया गया है और कक्षा वाइज 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25 की संख्या में अभिभावकों को बुला करके कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के माध्यम से उनको मोटिवेट किया जा रहा है। वर्तमान चैलेंजेज में कोरोना से अपने बच्चे को कैसे संक्रमित होने से बचा सकें, अपने परिवार को संक्रमित होने से कैसे बचा सकें, इसके लिए जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की, जो SOPs हैं, उस SOPs का पालन कैसे किया जाए इसके विषय में भी उनको जागरूक किया जा रहा है कि वे निरंतर अपना हाथ धोते रहें साबुन से, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें, साथ ही साथ जब भी वह कोई ऐसी वस्तु या ऐसे स्थान को छूते हैं तो जो सैनिटाइज़र है उस सैनिटाइज़र से अपना हाथ सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज़र उपलब्ध न होने पर वह हाथ अनिवार्य रूप से हर घंटे दो घंटे पर अपना हाथ जरूर धोते रहें, जिससे क्योंकि अगर कोई वायरस हाथ में लगा है तो वह साबुन से जब आप हाथ बार बार धोएंगे और साथ ही साथ हाथ धोने का जो क्या तरीका होगा ये भी वहाँ बताया जा रहा है अभिभावकों को कि साबुन लगाने के बाद कम से कम 30 सेकंड या 2 मिनट तक कम से कम हाथों को आप मलते रहें, उनकी अंगुलियों को मलते रहें, दोनों तरफ से अंगुलियों के बीच के स्थान को भी साबुन लगा करके उसको साफ करते रहें। इस तरह से जो प्रिकॉशंस हैं वह लेने के लिए भी अभिभावकों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि अभिभावक अपने को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार के बच्चों को सुरक्षित रखें और बच्चों को भी इस हेतु वह पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रखें कि बच्चे इस परिवेश में COVID-19 के इस संक्रमण काल में भी अपने को सुरक्षित रख सकें और जो शिक्षण की या पढ़ाई की व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिसका कार्यान्वयन हम लोग विद्यालयों में कराने जा रहे हैं, उसका वह अच्छे ढंग से बच्चे उसका सदुपयोग कर सकें और बच्चों की जो ऊर्जा है सकारात्मक ऊर्जा में वो परिवर्तित हो सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, यह उद्देश्य है।